मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को उनकी मुलाकात होगी और वे कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार से अब तक के किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों से अवगत कराएंगे। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने के लिए मंत्रियों के 9 समूह गठित किए गए हैं। सभी समूह 22 जून तक अपने सुझाव दें। उन्होंने रविवार से पहले सभी समूहों की बैठक करने को कहा है। इस दौरान होशंगाबाद प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि होशंगाबाद में 67,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है और खरीदी केंद्र को प्रारंभ किया जा चुका है। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से भी बात की। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रों का बहुत उपयोगी बैठक हमारी संपन्न हुई है। जो मंत्री समूह बने हैं हमारे, उन मंत्री समूहों की इसी सप्ताह मतलब इतवार के पहले एक बैठक आपकी सुनिश्चित करते हैं। कोऑर्डिनेट करने वाले अधिकारी का नाम भी उसमें है, जो अपर मुख्य सचिव है वो कोऑर्डिनेट करेंगे बैठक के लिए आप। लेकिन आप तय कर दें कि कब बैठक होगी। आज सब लोग लगभग यहाँ पे हैं, तो ये बैठकें तय हो जाए और बैठक तय करके आप डिस्कशन करके फैसले कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हमको करना है। एक बार जब सारी बैठकें हो जाएगी तो बैठकों का जो ब्रीफ है वो एक बार प्रेजेंटेशन के रूप में मैं भी आपके साथ बैठ कर देख लूँगा और उसके बाद अपन फाइनल करके तेजी से आगे बढ़ना है। अपन को एक क्षण भी रुके बिना कैसे तेजी से हम काम करें और आगे बढ़ें। बैठक दोनों होनी है, एक अलग अलग समूह, उनके कल नाम आपके सबके सामने है, सबको पता है कौन के समूह हैं। दूसरे कोविड से रिलेटेड जो समूह हैं उनकी बैठकें भी होनी है। तो अंतिम रूप से मैं ये चाहता हूँ कि इसी सप्ताह हम लोग कुछ तय कर लें। आज है मंगलवार, कल मैं दिल्ली में रहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।